हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में ममता कुमारी आर्ट में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एन और ओ बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत इजीली तरीके से बन जाता है। और फ्रेंड्स, चलिए इसको हम करते हैं बनाना स्टार्ट। तो देखिए, मैंने एन बनाने के लिए सबसे पहले जो कॉर्ड लिया है वो हल्का लाइट क्रीम कलर लिया है, और जो कॉर्ड का मेज़रमेंट किया है वो हाफ मीटर है। आप थोड़ा सा इससे कम भी ले सकते हो। और सबसे पहले हम एन बना रहे हैं, हमेशा की तरह दो कॉर्ड लिया है और इसको बीच से फोल्ड कर दिया है, और जो हमारे बीच वाले पोर्शन है उससे लेके हम एक सिंपल सा बेसिक नॉट लगा के रेडी कर लेंगे। और जो हम नॉट लगाएंगे वो पूरे 8 नॉट लगेंगे। तो 8 नॉट लगा के हम रेडी कर लेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने 6 नॉट बना के रेडी कर लिया है, और बिल्कुल ऐसे ही एक और नॉट हम लगा के रेडी कर लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको हम कट कर देंगे और अच्छे से स्टिक कर देंगे। और ध्यान से स्टिक करें, हाथ ना जले, बहुत केयरफुल होके, क्योंकि मैक्रम कॉर्ड प्लास्टिक होता है। तो ज़्यादा भी थोड़ा आप गर्म कर दोगे ना तो वो क्या होता है ना कि जलने लगेगी, हाथ जल जाएगी, चिपक जाती है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। और दूसरे वाले का हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, दोनों साइड वाले कॉर्ड को कट करके स्टिक करेंगे, बीच वाले को हम ऐसे ही रहने देंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने दो कॉर्ड को अच्छे से, एक को पूरा काट लिया है और दूसरे को कट कर दिया है। अब हम एक और नॉट लगा के रेडी करना है, बिल्कुल बेसिक नॉट ही लगा के रेडी करना है, 6 वाली। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉर्ड ले लिया है, और इस वाली का जो नॉट लगाएंगे थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसका नॉट लगाएंगे। आप देख सकते हो बीच में मैंने एक धागा लिया था जो बिल्कुल फोल्ड करके रख दिया है, और साइड से एक और एक्स्ट्रा कॉर्ड लेके, यानी कि 4 कॉर्ड लेके ही बेसिक नॉट ही लगाना है। बट इसका नॉट लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और यहाँ पर हम पिनअप लगा के इस अच्छे से थोड़ी सी इसको टाइट कर देंगे ताकि हमारी ईजिली बन सके। और जैसा हमने पहले नॉट लगाया था बिल्कुल वैसे ही 6 नॉट हम लगा के रेडी कर लेंगे। सभी जो हम 3 पट्टी इसमें बना रहे हैं एंड बनाने के लिए, उसमें सारे में 6 नॉट लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 नॉट बना के रेडी कर लिया है, और पिनअप भी हम निकाल देंगे जो हम पिनअप कर रखे थे उसको। और बिल्कुल वैसे ही देख सकते हो कि हमने बेसिक नॉट लगाया है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक नॉट में थोड़ा सा ऊपर सा खींचा हुआ लाइन रहनी चाहिए, और दो बिल्कुल सेम टू सेम हमने नॉट लगाया। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रही हो, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और ये देखिए, जो हमने अभी अभी नॉट बना के रेडी किया है उसके दोनों साइड वाले कॉर्ड हम कट कर देंगे और स्टिक कर देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, सारे को मैंने 2 में के 2 कॉर्ड नीचे से कट किया है, स्टिक किया है, और कुछ इस तरीके से हमारा एन बन के रेडी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम ज्वाइंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम का जो पट्टी है उसको हम कट कर देंगे, और उसके बाद फर्स्ट वाला कॉर्ड लेंगे जो हमने दोनों साइड से चिपका रखा है उसके कॉर्ड को, तो दोनों साइड का लेंगे। और ऊपर से ये वाली जो पोर्शन है, जो दूसरा मैंने पट्टी लिया है, उसमें फर्स्ट वाले में एक सीजर से हॉल करना है, या पिन से भी हॉल कर सकते हैं। हॉल करने के बाद जो कॉर्ड है अटैच कर देंगे हम, दोनों को पीछे की साइड में अंदर से डालेंगे और पीछे की साइड से निकाल लेंगे। दोनों
दोनों साइड एक आमने सामने करें, बिल्कुल ऊपर नीचे ना करें, नहीं तो आपकी जो एन का शेप है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये देखिए दोनों साइड में दोनों धागे को मैंने पीछे की साइड निकाल लिया है और जो एक्स्ट्रा बाकी के कॉर्ड है उसको हम कट करके स्टिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, एक और जो हमने लिया था उसको जो जो धागा एक्स्ट्रा है उसको हम नीचे की साइड रखेंगे और जो जिसका पूरा ज्वाइंट कर रखा है हम ऊपर की साइड रख के इस तरीके से हम उसी बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको हम करेंगे, अंदर डालेंगे। ये देखिए तो धागे की पोर्शन है बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे जो हमने फर्स्ट किया था। तो लास्ट वाली पोर्शन को हम सीजर से होल करेंगे और उसमें डाल देंगे धागे में। तो देखिए हमने पीछे की साइड उसको भी निकाल लिया है और जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है उसको कट कर देंगे और स्टिक कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो स्टिक किया हुआ है वो और एन बन के रेडी भी हो गया है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और जो मेरे धागे थोड़े एक्स्ट्रा छूट गए थे उसको भी हम स्टिक कर देंगे। तो अच्छे से स्टिक करने के बाद अभी हमें क्या एक चैन चाहिए, की चैन चाहिए छोटी वाली। तो उसको हम जैसे हर वीडियो में हम बताते हैं बिल्कुल वैसे ही कॉर्ड डालने के बाद उसके बीच से कॉर्ड निकाल के और अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये देखिए अच्छे से टाइट करने के बाद जो पीछे की साइड में एक्स्ट्रा कॉर्ड जितने भी हैं उसको हम कट कर देंगे और अच्छे से स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो एन है वो बन के रेडी हो गया है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो बताइएगा हमें आपको मेरी ये एन कैसी लगी और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करके ऐल पे कर ले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो कोई भी डिज़ाइन आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स तो इसलिए बेल का नोटिफिकेशन, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो मेरे चैनल को बेल को प्रेस करने के बाद ऐल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि आप लोगों को बहुत मैसेज आती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इस तरीके से लाइक कर देना और शेयर के ऑप्शन पे अगर आप चाहेंगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, कहीं भी आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आपके फ्रेंड भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स और एक एरो का निशान दिख रहा है, जो छोटा सा एक तीर का निशान दिखता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन, जो कि कुछ मेरे बारे में और कुछ वीडियो की लिंक भी दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो और मेरे से बातें कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स तो इस तरीके से आप मुझे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। और चलिए हम चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, सिखाते हैं हम आपको बनाना ओ। तो ओ बनाने के लिए हमने यहाँ पे रेड कलर का कॉर्ड ले लिया है जैसा कि आपको दिख रहा है और रेड कलर का कॉर्ड जो हमने यहाँ पे लिया है वो एक मीटर है, एक मीटर प्रॉपर एक मीटर है, बिल्कुल कम नहीं है। तो हर बार की तरह वैसे ही एक मीटर कॉर्ड लेने के बाद हमें एक बेसिक सा नॉट बना के रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स कोई भी अल्फ़ा लेटर सीखने के लिए बेसिक नॉट आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई भी डिज़ाइन सीखने के लिए बेसिक नॉट आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको बेसिक नॉट नहीं आती है तो मैंने बेसिक नॉट की वीडियो भी डाल रखी है, आप चाहो तो उधर से जाके आप मेरी बेसिक नॉट की वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो वहाँ से।
फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डिमांड है मेरे मुझसे कि मैं कोई भी डिज़ाइन बनाऊं, या मेरे वीडियो में से आपको समझ में नहीं आती है कि आप कैसे बनाओ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर अपनी एडवाइस दें कि मुझे और कितना मतलब बेहतर तरीके से वीडियो बनाना चाहिए, कितना देर का वीडियो बनाना चाहिए और स्पीड करना चाहिए कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके फ्रेंड्स। मुझे आप सबका कॉमेंट का इंतज़ार रहता है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नोट बना के रेडी कर लिया, और जो मैंने नोट बनाए वो टोटल 12 नॉट है। मैंने यहाँ पे 12 नॉट लगा के रेडी कर लिए हैं, और साइड के दोनों कॉर्ड को कट करके स्टिक कर लें, बिल्कुल अच्छे से स्टिक कर ले। और स्टिक करने के बाद क्या है, बीच वाला दोनों कॉर्ड रह जाएगा, और जो सबसे ऊपर वाला हमने नॉट लगाया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे एक सीजर की हेल्प से होल करेंगे, दोनों साइड में इक्वल होल करेंगे, और जो हमारा नॉट है, जो दो धागे हमने छोड़ रखे हैं, उसको हम दोनों साइड से निकाल देंगे। ध्यान से निकालें, हाथ में सीजर या पिन जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो लगे नहीं। तो देख सकते हो जो हमारा जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है वो पीछे की साइड हमने निकाल लिया है, और निकालने के बाद हमें क्या करना है कि इसको कट करके स्टिक कर देना है। अच्छे से कट कर ले, अच्छे से पहले खींच करके धागे को ना सेट कर ले, और उसके बाद इसको कट करें, पीछे जो एक्स्ट्रा कॉर्ड बचेंगे उसको कट करके ना आप स्टिक कर दें। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरे वीडियो पे उतने व्यू नहीं आ रहे हैं, क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है या कोई और प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि मुझे किस तरीके की और वीडियो लानी चाहिए अपने वीडियो में। तो देखिए, वो हमारा बनके रेडी हो गया है, और ओ बन गया है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा ओ बना है। आप चाहो तो बच्चे को पढ़ाने में भी यूज़ कर सकते हो, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और एन भी, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी और आपकी अल्फ़ाबेट लेटर कैसी बनी। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और क्या सीखना है, मैं अपने वीडियो में क्या चेंजिंग लाऊं कि ताकि आपको पसंद आए, तो प्लीज़ ये बताना बिल्कुल मत भूलिए, एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।